बच्चों को टिफिन देना हो, ब्रेकफास्ट बनाना हो या फिर डिनर बनाना हो, हमको हर बार सोचना ही पड़ता है कि क्या बनाएं हम, ऐसा बनाएं कि सभी को पसंद भी आए, हेल्दी भी हो, झटपट से बन भी जाए। तो चलिए, हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्रद्धा और श्रद्धा फूड गैलरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाएंगे, हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, और यदि हल्का फुल्का डिनर खाने की इच्छा हो तो आप इसे डिनर में भी ले सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की मजेदार सी रेसिपी। तो आज हम ग्रिल सैंडविच बनाने जा रहे हैं, उसके लिए स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो मैंने एक प्याज लिया है इसमें बारीक कट करके, इसी के साथ में कैप्सिकम, गाजर, कैबेज और बीटरूट, ये सारे वेजिटेबल्स को मैंने चॉप कर लिया है अच्छे से। और आप इसमें और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न भी डाल सकते हैं इस तरह से चॉप करके। तो सारे वेजिटेबल्स को मैंने इस चॉपर में चॉप किया है, आप चाहें तो ग्रेट भी कर सकते हैं इसे, या मिक्सर में दरदरा पीस सकते हैं, लेकिन उससे वो पानी छोड़ देता है, इसलिए ग्रेटर या फिर इस तरह से आप चॉप कीजिएगा। इसके साथ में मैंने हरी धनिया और हरी मिर्च भी डाली है बारीक कट करके। और अब हम इसमें डालेंगे हंकड़। तो दही को कपड़े में बांधकर थोड़ी देर के लिए, एक घंटे के लिए हम इसे टांग कर रख देंगे, तो उससे क्या होगा, उसका पानी सारा निकल जाएगा और इस तरह से हमें हंकड़ मिल जाएगा। तो ये मायोनीज का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, ये हेल्दी ऑप्शन है, मायोनीज अनहेल्दी होता है, इसलिए मैं हमेशा प्रीफर करती हूँ हेल्दी ऑप्शन, इसलिए मैंने डाला है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर का पाउडर है मेरे पास, ये जब गर्मी होती है और बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है तब मैं टमाटर को स्लाइसेस करके सुखा लेती हूँ और मिक्सर में पीस कर इसका पाउडर बनाकर रख लेती हूँ। इस तरह से मैं लहसुन और प्याज का भी पाउडर घर पर ही बनाकर तैयार करके रखती हूँ। तो ये हम डाल देंगे, इसके साथ में हम डाल देंगे काली मिर्च, और मैंने डाला है इसमें चिली फ्लेक्स, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। नमक हम बाद में डालेंगे, और ये है शेजवान चटनी, ये भी होममेड ही है, थोड़ा सा इसमें तीखापन लेने के लिए और अच्छा टेस्टी लगेगा इससे, तो वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा स्टफिंग तैयार हो गया है। अब हम तैयार कर लेंगे चटनी, सैंडविच की स्पेशल चटनी होती है वो बनाएंगे। तो इसके लिए हरा धनिया लिया है, दो हरी मिर्च लिया है, इसके साथ में अदरक, और ये मैंने डाला है इसमें भुटाने या फिर इसे डालिया भी बोलते हैं, सिका हुआ जो चना होता है उसकी दाल। इसके साथ में नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी, और बर्फ के टुकड़े डालेंगे हम इसमें। तो ये आइस क्यूब्स डालने से इसके चटनी का कलर वैसा ही ग्रीन का ग्रीन रहता है, तो इसे डालकर हम अच्छे से इसे ग्राइंड कर लेंगे, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो हमने जो सिके हुए चने डाले हैं भुने हुए, उससे इसका जो पानी है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हम जब सैंडविच बनाते हैं उसमें पानी पानी नहीं होता है। तो बस ये चटनी को आप मल्टीपर्पज यूज़ कर सकते हैं, बहुत सी रेसिपीज में से यूज़ किया जा सकता है, और चटनी बहुत ही टेस्टी। तो ये मैंने ब्राउन ब्रेड ली है, आप इसकी जगह व्हाइट ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो दो ब्रेड ले लेंगे, और हम इसमें लगा देंगे ये बटर, तो ये भी होममेड बटर है मेरा, इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। और बहुत ही सस्ते में हम घर पर अमूल जैसा बटर घर पर बना सकते हैं। तो दोनों ब्रेड पर इसे हम स्प्रेड कर लेंगे, और लगाने से पहले आप थोड़ी देर पहले ही इसे फ्रिज से बाहर निकाल लीजिएगा, तो इस तरह से वो आसानी से लग जाएगा। ये थोड़ा अभी मैंने फ्रिज में से निकाला है इस तरह से, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे ये ग्रीन चटनी जो हमने बनाकर तैयार की है, दोनों ब्रेड पर अच्छे से इसे स्प्रेड कर देंगे। आप चाहे तो एक ब्रेड पर टोमेटो केचप भी लगा सकते हैं। अब हमने जो ये फिलिंग तैयार की है, तो उसमें मैंने लास्ट में नमक डाल दिया था, तो लास्ट में डालने से वेजेस जो हैं वो पानी नहीं छोड़ेगी, तो नमक डाल के उसके बाद में ही हम इस पर डालेंगे। तो ये फिलिंग को अच्छे से भर देंगे इसमें, थोड़ी ज़्यादा ही मैंने इसमें डाली है, ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला, और मैंने इसमें चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर दिए हैं। तो अब हमारे सैंडविच का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें एक चीज़ स्लाइस रखा है, तो इससे बच्चे भी इसे खा लेंगे आसानी से। तो दो ब्रेड इस तरह से मैंने तैयार कर लिया है, दो सैंडविच मतलब चार ब्रेड को तैयार करना है हमें इस तरह से। और ये मेरे पास सैंडविच मेकर है, ग्रिल सैंडविच मेकर, तो इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे बटर, नीचे थोड़ा सा बटर डाल देंगे, और इन सैंडविचेस को इसमें रख देंगे। आप चाहे तो इसे
तवे पर भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से तवे पर भी बन जाता है। लेकिन मुझे ग्रिल सैंडविच बनाना था इसलिए मैं सैंडविच मेकर में बना रही हूँ। इसमें भी बहुत जल्दी और आसानी से बन जाता है। यदि हो आपके यहाँ तो जरूर से इसमें ही बनाइएगा, बहुत अच्छी सीख कर तैयार होती है। इस पर ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे और इसे बंद करके हम जब तक ये ग्रीन लाइट चालू ना हो तब तक इसे सेक लेंगे। बहुत अच्छे से सीख जाती है ये, जैसे ही ग्रीन लाइट इंडिकेट करेगी हमारी सैंडविच बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये ग्रीन लाइट इंडिकेट हो रही है, अब हम इसे बंद कर देंगे और ये चेक कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया सिकाई हुई है सैंडविच की, बहुत बढ़िया हमारी ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार हुई है। निकाल लेंगे इसे और इसे बीच में से सर से कट कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये सैंडविच बनकर तैयार हुई है और झटपट से बन भी जाती है। आप इसकी फिलिंग को बनाकर पहले से रख भी सकते हैं। यदि टिफिन में बच्चों को सुबह से देना है तो आप इसे रात में ही तैयार करके रख सकते हैं और सुबह से जल्दी से इसे बनाकर दे सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी ये सैंडविच बनकर तैयार हुई है, तो जरूर से इसे ट्राई कीजिएगा और आपके अनुभव मुझे बताइएगा। और यदि मेरी रेसिपीज आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो ये मैंने बहुत सारी सैंडविच बनाकर तैयार कर ली है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।